सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मेरा नाम जितेंद्र सिंह खैरा। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। निगाह मारदे हां चोणवीआं खबरां ते। भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों नूं वंडे विभाग। ड्रग मामला, मजीठिया का जुडिशियल रिमांड 5 अप्रैल तक वध्या। बाहरले राज्यसभा मैंबर बनाउण ते प्रकाश सिंह बादल ने कसिया तंज। श्री हरिमंदर साहब च सोने की धुआई की सेवा आरंभ। केंद्र खिलाफ पंजाब च संयुक्त किसान मोर्चे ने फिर खोलिया मोर्चा। आप च शामिल होए अमृतसर के मेयर नूं हटाउण लई कांग्रेसी काउंसलर होए इकट्ठे। पंजाब च भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े ते 23 मार्च नूं छुट्टी दा ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सलाह अते सिफारिश ते पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अज नवें मंत्रियों नूं विभागां दी वंड कीती। इस दौरान हरपाल सिंह चीमा नूं वित्त योजनाबंदी प्रोग्राम लागू करन, आबाकारी ते कर अते सहकारिता विभाग की कमान सौंपी गई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर नूं समाजिक न्याय, सशक्तिकरण अते घट गिणती अते समाजिक सुरक्षा, इस्त्री अते बाल विकास विभाग दिते गए ने। हरभजन सिंह नूं लोक निर्माण अते बिजली विभाग का चार्ज दिता गया। डॉक्टर विजय सिंगला नूं सेहत अते परिवार भलाई अते मैडिकल सिक्ख्या अते खोज विभाग सौंपिया गया, जबकि लाल चंद नूं खुराक, सिविल सप्लाई अते खपतकार मामले, जंगलात अते जंगली जीव विभाग अलॉट किए गए। गुरमीत मीत हेयर नूं स्कूल सिक्ख्या, खेडां अते युवक सेवावां अते उचेरी सिक्ख्या विभाग अलॉट किए गए ने। कुलदीप सिंह धालीवाल नूं पेंडू विकास अते पंचायतां, पशु पालन, मछी पालन अते डेयरी विकास अते प्रवासी भारती मामले विभाग दिते गए ने। लालजीत सिंह भुल्लर नूं ट्रांसपोर्ट अते प्रौणचारी विभाग का चार्ज दिता गया है। ब्रह्म शंकर नूं माल मुड़ वसेबा अते आफत प्रबंधन, जल स्रोत अते जल सप्लाई अते सैनिटेशन विभाग दिता गया है। उत्थे हरजोत सिंह बैस नूं कानूनी अते विधानक मामले, खाणा अते भू विज्ञान, सैर सपाटा अते सभ्याचार मामले दा मंत्री बनाया गया अते नाल ही अडिशनल चार्ज जिहड़ा है जेल विभाग दा दिता गया है। ड्रग मामले च फसे पंजाब दे साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया नूं कोई राहत नहीं मिली है। बिक्रम मजीठिया की अज मोहाली की अदालत दे विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही पेशी सी। किसी केस की सुनवाई दौरान अदालत ने बिक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल तक वधाउण दे हुक्म जारी कर दिते ने। दसणयोग है कि बिक्रम मजीठिया ते ड्रग तस्करां की मदद करन अते पंजाब च नशा वेचण दे दोष लगे सन। इस दे आधार ते मजीठिया खिलाफ मोहाली की अदालत दे विच केस दर्ज किया गया सी। पिछली चन्नी सरकार वालों बिक्रम मजीठिया नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी, जिसकी जांच लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी वालों राज्यसभा मैंबरां दी कीती गई चोण ते साबका मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने वड्डे सवाल खड़े कीते ने। बादल ने कहा कि उन्हां पहला ही आख्या सी कि इह सरकार दिल्ली तो चलण वाली है अते इसने पंजाब दे हक ते पहला डाका मार दिता। उन्हां कहा कि पंजाब चो राज्यसभा लई दिल्ली दे आगूआं नूं भेजणा मंदभागा है, इह सिद्धा सिद्धा पंजाबियां दे हक्कां ते डाका है। उन्हां ने कहा कि इसे तरह राज्यसभा विचों ही पंजाब दा पानी भी खोलिया जाएगा। सरदार बादल अज लगातार दूजे दिन लंबी हलके दे पिंडां दे दौरे ते निकले हुए सन। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदे हुए उन्हां कहा कि वह अपने हलके नाल सियासी तौर ते नहीं सगो परिवारक तौर ते जुड़े हुए हन। उन्हां इस वार चोणां नतीजिआं नूं गलत प्रोपेगेंडे दा असर दस्सिया। उन्हां आप वालों नियुक्त किए राज्यसभा मैंबरां ते सवाल खड़े करदिआं कहा कि दिल्ली तो राज्यसभा मैंबरां लई गए हन, जबकि यह पंजाब का हक सी। उन्होंने कहा कि यह राज दिल्ली तो चलेगा, हुण पंजाब का पानी भी वह दिल्ली लै जाणगे। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि पंजाब के वजीर नामदेही हैं, जबकि सरकार तो दिल्ली तो चलेगी। देखो अर्ज है मेरा, ये हल्के नाल कोई पोलिटिकल संबंध नहीं, ये परिवारक संबंध है। क्योंकि कोई तो एक साल वास्ते आता, कोई दो साल वास्ते आता है। मैं तो पिछले 50 साल तो इतने आना, छोटे तो छोटे इलेक्शन, वड्डे तो वड्डे इलेक्शन, तो ऊ भी समाज नाल जब किसी कोई अफसोस की गल हो, खुशी की गल हो, तो भी आना। इसलिए मेरे वास्ते तो ये जो हलका है बहुत प्यारा है, सत्कारयोग है। इसलिए मेरा फर्ज है, वोटा तो चलो छोटी गल है, गलत भरा ये कोई वोटा ए नहीं मिलिया कि कोई ये तो जिमें कोई नेरी आँदी होंगी है, ज गलत प्रोपेगेंडे का असर, टीवी का असर, कोई यूट्यूब का, कोई सोशल मीडिया का, होर उन्हां दी कारगुजारी की है। अज देखो मैं दुख है कि पंजाब का जोड़ा हक है वो अजे ही मार रहे हैं। जिमें राज्यसभा के मैंबर बनने हैं, वो हों की है कि
जिथे जिहड़ी स्टेट होवे उत्थों दे बंदे होण, क्योंकि एम एल ए तो उत्थों दे ने वोटां देणियां, दिल्ली वाले ने देनी है, दिल्ली भावें जो मर्जी बना लैण। और वह तिने मैंबर जिहड़े ज बाद च बनने है वह जां तां दिल्ली वाले बना, हुण तां नोमीनेशन भी हो गए, बना भी दिते, वह दिल्ली वाले ने, कोई पंजाब का नहीं। एक साडा कल नूं पाणी भी खो लैणगे, दिल्ली नूं चाहीदा है। सारा असीं यही लोकां नूं आखदे सां भी ये राज दिल्ली तो चलना है, दिल्ली वालों का राज होना, थोड़ा नहीं होना। लेकिन चलो लोग किसी गल च आ गए, हुण अगां भी वेखोंगे कि थोड़ा पानी तो भी लै जाना उन्हें। और होर कोई जो कुछ करना है ये तो इतों वाली वजीर तो एवं बाई नाम है उत्तों ही राज करना। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे लगे बारी सोने की धुआई ते साफ सफाई की सेवा अरदास उपरंत आरंभ कर दी गई है। सेवा की आरंभता मौके श्री हरिमंदर साहब के वधीक मुख ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह, श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, गुरु नानक निष्काम सेवक जथा वालों भाई इंदरजीत सिंह समेत प्रमुख शख्सियत मौजूद सन। सोने की धुआई की सेवा श्रोमणी कमेटी वालों गुरु नानक निष्काम सेवक जथा बर्मिंगम के मुखी भाई महेंद्र सिंह दी गई है। सेवक जथे वालों यह सेवा हर साल होले महल्ले तो बाद की जाती है, जो तकरीबन 10 दिनों च मुकम्मल होती है। सोने की धुआई की सेवा मुख गुबंध छोटियां गुमटियां, बाहरी दीवारां, पुल ते लगियां बुरजियां दियां गुमटियां, दर्शनी ड्योड़ी तो इलावा श्री अकाल तख्त साहिब ते लगे हुए सोने की धुआई की सेवा भी की जाती है। धुआई की सेवा आरंभ करने मौके श्री दरबार साहब के ग्रंथी ज्ञानी गुरमंदर सिंह, श्रोमणी कमेटी के सकत्र महेंद्र सिंह आहली, वधीक सकत्र प्रताप सिंह, मैनेजर सुलखण सिंह पंगाली, वधीक मैनेजर इकबाल सिंह, मुखी सुखदेव सिंह पुराका कोना आदि मौजूद सन। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज तिना के पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे गुरु नानक निष्काम सेवक जथा बर्मिंगम वाले सत्कारयोग भाई साहब भाई महेंद्र सिंह जी उन्हों का समुचा जथा जिन्होंने दरबार साहब विखे थले सोने के पत्रे जड़े आ, क्योंकि उन्होंने थले सेल आ गई सी, उहदी भी सेवा असीं कुछ दिन पहले शुरू की सी। ते अज ये पवित्र कार्ज सतगुरु जी ने उत्तों गुमदा तो यह सोने की जिहड़ी धुआई आ वह अज शुरू करवाई आ। सो मैं समझदा गुरु साहब कृपा कर इस निष्काम सेवक जथे की सब तो वड्डी खूबी गुरु पातशाह ने इन्हां नूं बख्शिश कीती आ कि निष्काम हो के ही सेवा करते आ, ना गुरु स्थानां दे उत्ते कोई पर्ची किसी की कट्टी जाती आ, ना कोई टोकरी आ ते आदक रखी जाती आ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਤਖਤ ਆ, ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। संयुक्त किसान मोर्चे के सदे से वक्त किसान जथेबंदियों ने रोस प्रदर्शन करके देश के राष्ट्रपति के नाँ से मंग पत्र उपमंडल मैजिस्ट्रेट राही भेजा गया। इस मौके वड्डी गिणती किसान स्थानक बस स्टैंडा इकट्ठे हुए। इस मौके पर बोलदियां किसान आगुआ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने खेती विरुद्ध काले कानूनों नूं तां वापस लिया, कानूनों नूं तां 380 दिनों च वापस लिया, पर 9 दिसंबर नूं लिखती समझौता संयुक्त किसान मोर्चे दे आगुआं नाल कीता सी। समझौते तहत किसानां ते दर्ज परचे रद्द कीते जाणगे, MSP ते कमेटी बनाई जाएगी, बिजली सोध बिल 2020 रद्द किया जाएगा, पर 4 महीने बीजण दे मोदी सरकार ने एक भी मंग नहीं मनी, जिसते संयुक्त किसान मोर्चे ने वादा खिलाफी दिवस मनाउण दा सद्दा दित्ता। अज सारे देश में किसान मजदूर सांझे तौर पर रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आगुआ ने सदा दिता है कि BBM विभाग वालों पंजाब के हरियाणा सरकार की नुमाइंदगी खत्म करने के खिलाफ 25 मार्च को पंजाब के गवर्नर का घिराव किया जाएगा, जिस लोगों को वड्डी गिणती चंडीगढ़ पुजन का भी सदा दिता। देखो जी, मैं 2-3 मीटिंगा संयुक्त मोर्चे दी हुई, मैं उन्होंने हाजिर सी। उत्थे स्पष्ट शब्द च कहा भी जो भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे कल मैं राजनीति साडी जथेबंदी कोई राजनीतिक लड़ती है तो वह किसान जथेबंदी नहीं रह जाती, वह सियासी पार्टी बन जाती है। जे अज असी SSM संयुक्त मोर्चे च रलाने हैं, कलू कांग्रेस वाले कहूँगे सानू भी रला लो जी, कलू अकाली दल आके उठूगा जी, असी तो उधर हार गए, चलो इधर चलो जी, असी सानू भी रला लो जी,
तो कल बीजेपी वाले क्या कीड़े पे वे वह भी कहे कि सानू भी बिच रला लो। इस करके स्पष्ट है कि जेड़े भी सियासी होए हैं वह सियासी ही रहन, अपना आके संयुक्त मोर्चे का नाम ना वरतन, ना माहौल खराब करन पंजाब का, क्योंकि पंजाब ने पहले बहुत संताप हटाया है। इन्होंने देख भी लिया अपने हल्कों के किन्नी किन्नी वोट पई इन्हों, ये तो किसी ने नहीं हटाए लोग, ठीक है। जो सानू परमात्मा ने बख्शिया लोगों की सेवा करनी, किसान जथेबंदियां बना के सेवा करते, बहुत इज्जत बख्शी सी पंजाब ने, पूरे देश ने इन्हों, पर वो कहने ना किसी की हजम नहीं हुंदा, वो कहावत कह सकते हैं। इन्होंने आके सोचा पता नहीं पंजाब दे विच क्या हो जूगा। देखो राजनीति करना एक वक्रा ढंग है, तो किसान जथेबंदियां बन के लोगों की सेवा करनी एक वक्रा मुद्दा है। नगर निगम के मेयर करमजीत सिंह रिंटू वालों कांग्रेस नूं अलविदा आख के आप विच जाण मगरों उसनूं अहुदे तों हटाउण लई चल रहा विवाद अज उस वेले सिखर ते पुज गया जदों कांग्रेस नाल संबंधित 50 तों वध कौंसलां ने इकट्ठे होकर रिंटू नूं मेयर दे अहुदे तों हटाउण ते सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी नूं मेयर बनाउण दा ऐलान कीता। दूजे पासे नगर निगम दे कमिश्नर संदीप रिशी ने कांग्रेसी कौंसलां दी इस कारवाई नूं गैर संविधानिक आख्या, इसनूं मन्नण तों इनकार कर दिता। कांग्रेसी काउंसलर अज इकट्ठे होकर नगर निगम के दफ्तर पुजे सन, उन्होंने इत्थे अज मीटिंग की, 56 कांग्रेसी काउंसलर नाल मेयर करमजीत सिंह रिंटू खिलाफ बेभरोसगी का मता पास किया, उसनू हटाउण का ऐलान भी कर दिता। उसकी थान से सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी मेयर बनाउण का फैसला किया। इस फैसले के हक च उत्थे ही हाजिर काउंसलर ने हथ खड़े करके इस फैसले को समर्थन दिता। इस संबंध एक रजिस्टर से मीटिंग की कार्रवाई भी दर्ज की गई, जिस विच करमजीत सिंह रिंटू नूं मेयर दे अहुदे तों हटाउण लई बेभरोसगी का मता दर्ज किया गया। इस कार्रवाई विच 50 तों वध कौंसलरां वल्लों दस्तखत किए गए हैं। इस वेले नगर निगम हाउस विच 85 कौंसलर हैं, जिस विच कांग्रेस कोल बहुमत हासिल है। मीटिंग बारे रमन बख्शी ने आख्या कि अज कांग्रेसी कौंसलरां वल्लों मीटिंग करके करमजीत सिंह रिंटू नूं मेयर दे अहुदे तों हटा दिता गया। उन्होंने अज दी मीटिंग नूं संविधानक करार दिंदिया कहा कि मेयर वालों 21 मार्च को मीटिंग सदी गई थी, जिसन रद्द करन दा उस कोल कोई अधिकार नहीं है। नगर निगम के कमिश्नर वालों इस मीटिंग ते कार्रवाई नू संविधानिक मनण तो इनकार किए जाने, उन्होंने कहा कि वह इसका जवाब अदालत देंगे। उस तो बाद असी पिछली 24-25 तरीक नू उन्होंने खिलाफ 52 बंदियां ने लिख के नो कॉन्फिडेंस मोशन का चिट्ठी दी सी। उस तो बाद असी फिर 4 तरीक नू दित्ती 72 घंटे का नोटिस दिता। 7 तरीक नूं असी मीटिंग करनी सी, उस तो पहलों मेयर साहब ने 21 तरीक की जिहड़ी स्पैशल मीटिंग सी जिहदा एजेंडा सिर्फ तो सिर्फ मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन सीगा और रखती सी। स्पैशल मीटिंग जिहड़ी हुंदी है जिंदगी च कैंसल नहीं की जा सकती, ना ही इहनूं आम मीटिंग वांगू अगे पोस्टपोन किया जा सकता। मेयर साहब ने 21 तरीक की जिहड़ी अज मीटिंग सी, पहलों तो कोई ग्रुप के पाता मीटिंग कैंसल हो गई है, पर अज जो इतने आ गए कमिश्नर साहब के सामने जोड़े 56 तो वध काउंसलर जोड़े सके, उन्होंने लगभग इतने आ के मेयर साहब के एक आवाज के जोड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन किया, तो उत्थे वोटा पा के करमजीत सिंह रिंटू ने जोड़ा मेयर तो उतार दिता। पंजाब विधानसभा के इजलास दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस मौके 23 मार्च को पूरे पंजाब दे विच छुट्टी करन दा ऐलान किया गया। भगवंत मान ने कहा कि पहला सिर्फ 23 मार्च को नवां शहर च ही छुट्टी हुंदी सी, पर हुण इह छुट्टी पूरे पंजाब च होगी, क्योंकि भगत सिंह सिर्फ नवां शहर के नहीं सी सगों पूरे देश के सन। उन्होंने कहा कि यह छुट्टी इसलिए की गई है ताकि बच्चे नौजवान अते होर लोग हुसैनी वाला जां फिर खटखट कलां जाके शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी बारे कुछ पढ़ के आउण। इस तों इलावा यह भी फैसला किया गया कि विधानसभा कॉम्पलैक्स च महाराजा रणजीत सिंह दे अते डॉक्टर अंबेडकर दे बुत भी लगाए जाणगे। इस मते नूं विधानसभा अंदर सर्वसम्मति दे नाल पास किया गया। सदन च वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों 3 महीने अप्रैल मई अते जून का 37,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस तों बाद सदन की कार्रवाई नूं अणमिथे समय लई मुलतवी कर दिता गया। फगवाड़ा च आम आदमी पार्टी की धड़ेबंदी जगजार होंदी दिखाई दे रही है, जिस करके मामला कुटमार तक पुज चुका है। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू संतोख सिंह पिंड खलियाणा ने दसिया कि कुछ लोगों ने मिल के सवेरे उसके हमला करके कुटमार कर दी, जिस करके वह गंभीर जख्मी हो गया। उसनों इलाज लिए सिविल हस्पताल फगवाड़ा विखे दाखिल करवाया गया, जितों के डॉक्टर ने उसनों जलंधर रैफर कर दिता। जानकारी देंदे हुए संतोख सिंह ने दसिया कि पिंड के ही आप आगू इंद्रजीत सिंह खलियाण नाल उसका बीते दिन लड्डू वंडण के मामले में झगड़ा हो गया सी।
उस लाटडाट के चलद इंद्रजीत कल्याण ने अपने कुछ साथियों मिलकर संतोख सिंह से हमला कर दिता, जिस कारण वह गंभीर जख्मी हो गया। उन्होंने दसिया कि वह एक निजी स्कूल की बस का ड्राइवर है। जदों वह सवेरे बस लैके स्कूल बच्चों लैन जा रहा था, अचानक इंद्रजीत कल्याण कुछ नौजवानों लैके उस दे उत्ते हमला कर दिता। उसने दसिया कि जदों वह गड्डी विच्चों पाना कढ़ के देण लई हेठां उतरिया तां उन्हें अचानक उसते जानलेवा हमला कर दिता। जख्मी होने कारण सिविल हस्पताल के डाक्टरों ने मुढ़ले इलाज तो बाद उसनूं जलंधर हायर सेंटर रैफर कर दिता। मौके पर पुजे जिला सकत्तर निर्मल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों दी बुनियादी लोड़ां पूरियां करन लई बनी है, ना कि आपसी रंजिशां पालन लई। जिन्हां ने भी आम आदमी पार्टी के वलंटियर ते हमला किया उन्हां नूं बख्शिया नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन से वरदिया उन्होंने कहा कि दो घंटे होने के बावजूद सिविल हस्पताल फगवाड़ा विच कोई पुलिस अधिकारी नहीं पुजा। पंजाब विधानसभा इजलास के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गिदड़बाह तो विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अजिहा सवाल किया जिसका जवाब ना देण करके उन्होंने सदन च किरकिरी हुई। असल च मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों शहीद भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े ते 23 मार्च को पूरे पंजाब च छुट्टी का ऐलान किया गया। इसते बोलदिया राजा वड़िंग ने कहा कि छुट्टी का ऐलान करना ही सिर्फ भगत सिंह को श्रद्धांजलि देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दिन स्कूलों कालजा च विद्यार्थियों शहीद भगत सिंह की जीवनी बारे दसया जाए तो बेहतर होगा। इसते भगवंत मान ने राजा वड़िंग सवाल किया कि की तुहानू ये पता है कि शहीद भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा कदों हुंदा है। इस सवाल का जवाब राजा वड़िंग दे नहीं दे सके, जिस तो बाद पूरे सदन के अंदर माहौल हासोहीणा हो गया। भगवंत मान ने दसिया कि शहीद भगत सिंह के जन्म दिहाड़े 28 दसंबर को सूबे के सारे स्कूलों कालजा ते उन्हां दी जीवनी बारे विद्यार्थियों को दसिया जाता है अते उन्हां नू सारी जानकारी दित्ती जाती है। भगवंत मान ने कहा कि 23 मार्च की छुट्टी इसलिए है तां जो विद्यार्थी हुसैनीवाला या खटखड़ कला जाके शहीद भगत सिंह के जीवन बारे जानकारी प्राप्त कर सकन अते उन्हां नू श्रद्धांजलि दे सकन। पंजाब विधानसभा इजलास का अज आखिरी दिन है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होंदे सार ही सब तो पहला विछड़िया रूहों नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई। विधानसभा च राजपाल के भाषण से चर्चा की जाएगी। इस दे नाल ही वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों 3 महीने का बजट भी पेश किया गया। यह बजट 37,000 करोड़ रुपए तय किया गया। विधानसभा च वोट ऑन काउंट बिल भी पेश किया जाएगा। फिलहाल सदन की कार्रवाई अधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने भगवंत मान सरकार से वड्डा हमला बोलदिया इस बार सिद्धू ने पंजाब सरकार वालों राज्यसभा विच भेजे जाने वाले 5 चेहरियां नूं लैके सवाल खड़े किए ने। सिद्धू ने इन्हां चेहरियां नूं दिल्ली रिमोट की बैटरी अते पंजाब नाल विश्वासघात करार दिता है। हालांकि सूची में शामिल क्रिकेटर हरभजन सिंह नूं उन्होंने अपवाद करार दिता। दसणयोग है कि पंजाब विधानसभा चोणां विच आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जित तो बाद राज्यसभा लई पार्टी ने 5 चेहरे नामजद किए ने। हुण राज्यसभा विच आम आदमी पार्टी के मैंबरां की गिणती भी वध जाएगी। इन्हां विचों कुछ लोग पंजाब तो बाहरी हैं जिन्हां नूं लैके आप दा जम के विरोध हो रहा है। आप पार्टी ने जिहड़े 5 चेहरियां नूं राज्यसभा भेजण दा फैसला किया है उन्हां विच क्रिकेटर हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा ते प्रोफेसर संदीप पाठक दा नाम शामिल है। विरोधी धिरां नूं आम आदमी पार्टी ते पंजाब दी अणदेखी करके बाहरी आगूआं नूं राज्यसभा भेजे जाण दा दोष लगाया जा रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली के नाम एक होर अनचाहा रिकॉर्ड मुड़ दर्ज हो गया। लगातार दूजे साल दिल्ली दुनिया की सब तो प्रदूषित राजधानी बन गई है। दिल्ली तो बाद बंगलादेश की राजधानी ढाका का नंबर आता है। साल 2021 च यह भी देश विश्व सेहत संगठन यानी WHO के हवा गुणवत्ता मापदंड पूरा करन च सफल नहीं हो सकिया सी। मंगलवार को यानी कि अज 6,475 शहरों च प्रदूषण के अंकड़ों का एक सर्वे दिखाया गया। इन्हों अंकड़ों मुताबिक 2021 च भारत का प्रदूषण पद्धर खराब हो गया है और नवी दिल्ली सब तो प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। उत्थे ही अंकड़ों मुताबिक चार्ट की राजधानी नाजिमा तीजे सब तो प्रदूषित राजधानी है। इस तो बाद तजाकिस्तान की राजधानी दुशाबे और ओमान की राजधानी मस्कट सब तो प्रदूषित राजधानियों के विचों एक है। भारत च पराली साड़ना आम गल है, खास करके झोने की खेती तो बाद सर्दियों च किसान पराली साड़ते हैं। इस वजह करके दिल्ली आले दुआले के इलाकों च धुंध छा जाती है। यह धुआं राजधानी च करीब 45% तक प्रदूषण लई जिम्मेवार है। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि म्यांमार में पुलिस रोहिंग्या आबादी का हिंसक दमन नसलकुशी के बराबर है। सोमवार को US होलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम में अपने संबोधन में ब्लिंकन ने कहा कि अधिकारियों ने
नस्ली घट गिणतियां खिलाफ एक व्यापक पड़ावार मुहिम के हिस्से वजों म्यांमार की फौज द्वारा नागरिकां ते समूहिक अत्याचार से पुष्टि की है। अंकड़ों के आधार पर इस नस्लकुशी कहा गया है। विदेश मंत्री ने यूक्रेन समेत दुनिया के होर कितने भी भयानक हमले की स्थिति में अनमनुखता वल ध्यान देने की महत्ता रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि असी यूक्रेन के लोगों नाल खड़े हाँ अते असी सानू उन्हां लोगों नाल भी खड़े रहना चाहिए जिहड़े अजिहे मसले चो लंघ रहे ने अत्याचार का सहन कर रहे हैं। फरवरी 2021 लोकतंत्री तौर पर चुनी गई सरकार के फौजी तख्तापलट तो बाद म्यांमार की सरकार अमरीकी पाबंदियों का सामना कर रही है। देश भर में हजारा नागरिक मारे जा चुके हैं अते सत्ताधारी फौजी सरकार का विरोध करने वालों को जेलों में भेजा जा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सकत्तर जेन साकी ने कहा कि ब्लिंकन की घोषणा खास तौर पर पीड़ितों के बचे लोगों पर जोर दिंदी है कि अमेरिका इन अपराधों की गंभीरता नूं जानदा है। उन्हां मुताबक साडा विचार है कि म्यांमार की फौज से अपराधों से रोशनी पाउण नाल अंतरराष्ट्रीय दबाव वधेगा जिस नाल उन्हां लई दुरव्यवहार करना होर भी मुश्किल होगा। अगस्त 2017 हुण तक 7 लाख तो वध रोहिंग्या मुसलमान बहुती बहुगिणती वाले म्यांमार तो बंगलादेश के शरणार्थी कैंपां विच चले गए ने जदों के बाकी समूह के हमलों तो बाद फौज ने उन्होंने देश तो बाहर कढ़ने के उद्देश नाल एक मुहिम शुरू की है। मनुखी अधिकार संगठन ने इसका स्वागत किया है। एक 2018 स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में म्यांमार की फौज ने 2016 तो पिंडां तबाह कर नागरिकां नाल बलात्कार तशद्दुद समूहिक कतलों दीयां उदाहरणां शामिल कीतियां हन। इस दौरान बंगलादेश विच रोहिंग्या शरणार्थियों ने सोमवार को अमरीकी घोषणा का स्वागत किया है। म्यांमार विच पुलिस नस्ली समूह का हिंसक दमन एक नस्लकुशी है। उन्होंने मुताबक साडा विचार है कि म्यांमार की फौज से अपराधों से रोशनी पाउण नाल अंतरराष्ट्रीय दबाव वधेगा जिस नाल उन्हां लई दुरव्यवहार करना होर भी मुश्किल हो जाएगा। अगस्त 2017 तो बाद हुण तक 7 लाख तो वध रोहिंग्या मुसलमान बहुती बहुगिणती वाले म्यांमार तो बंगलादेश दे विच थां लै चुके ने। अफगानिस्तान के सबका वित्त मंत्री खालिद पियांडा अपने परिवार का गुजारा करने लिए अमरीका में ओबेर कार चला रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार पियांडा ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के सत्ता में आने से एक हफ्ता पहले अपने अहुदे से अस्तीफा दे दिया। तत्काली राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक जनतक मीटिंग दौरान उन्होंने निशाना बनया। गनी ने लिबनानी कंपनी को मुकाबलतन बहुत घट भुगतान करने में मंत्रालय की असफलता लिए उसे निजी तौर पर ताड़ना भी की। वाशिंगटन पहुंचने तो बाद साबका वित्त मंत्री रोजी रोटी के साधन लिए ओबेर कंपनी च ड्राइवर वजो काम करना पै रहा है जिसकी शायद उन्होंने कदे कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा कि हाले मेरे कोई जगह नहीं है, मैं ना तो इतों का हाँ अते ना ही उतों का हाँ, इतने इकलता बहुत है, जो भी है मैं उस तो संतुष्ट हाँ, मैं निराश नहीं होना चाहता। साबका वित्त मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान च तालिबान के शासन ले अमरीका भी जिम्मेवार है, उत्थे जमहूरीयत अते मनुखी अधिकारों की रक्षा करन दे अपने मिशन तो पिछे हट गया। इसी हुण तक दीआं खबरां, मैनूं दिओ इजाजत, देखते रहो पंजाब मेल USA TV। धन्यवाद।